Bismillahir Rahmanir Rahim, viewers. Welcome back to my course Online Earning with Fiverr. Viewers, अपनी previous video में हमने Payoneer debit card के लिए application create की थी और इस video में हम देखेंगे जब आपका Payoneer debit card आपको मिल जाता है तो आपने किस तरह से उसे associate करना है अपने Fiverr account के साथ. तो उसके लिए simply आपको करना ये है कि आप यहाँ पे अपने username पे जाएंगे और यहाँ पे selling के section में revenues के इस option पे click करेंगे और आपके पास एक नया पेज लोड होगा जहां पे फाइवर रेवेन्यू कार्ड का ऑप्शन मौजूद है. व्यूअर्स, यहां पर ये बात बता चलूं कि आप चाहे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर को यूज करना चाहें या फाइवर रेवेन्यू कार्ड को यूज करना चाहें, दोनों सूरतों में आपको पायोनियर डेबिट कार्ड की जरूरत है क्योंकि बैंक ट्रांसफर की सूरत में भी आपके पायोनियर डेबिट कार्ड में ही पैसा ट्रांसफर होंगे. तो हम यहाँ पे फाइवर रेवेन्यू कार्ड के इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो हमारी ईमेल बॉक्स में एक ईमेल आएगी जिसमें डिफाइन एसोसिएटेड पायोनियर कार्ड का जिक्र होगा और यहाँ पे क्लिक हेयर के इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना है इस प्रोसेस को कि हम अपने पायोनियर अपने रेवेन्यू कार्ड को फाइवर रेवेन्यू कार्ड को एसोसिएट करना चाह रहे हैं इसके साथ. तो गेट स्टार्टेड के इस ऑप्शन पे क्लिक किया. नेक्स्ट पेज पे हमसे हमारा सीक्रेट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका आंसर मैं देता हूँ. जब आप करेक्ट आंसर सबमिट कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास एक तरफ तो पायोनियर के लिए एप्लीकेशन कार्ड मौजूद है, एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है जहाँ पर आप नया पायोनियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए या नया पायोनियर डेबिट कार्ड जनरेट करने के लिए डिटेल्स दे सकते हैं. लेकिन हम तो पहले ही अपना पायोनियर कार्ड जो है वो जनरेट करने की एप्लीकेशन दे चुके हैं और हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास पायोनियर डेबिट कार्ड आ चुका है. तो देखिए ऑलरेडी हैव अ पायोनियर अकाउंट, क्लिक हियर. तो हम क्लिक हेयर के इस ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा. बेसिकली ये यूजर नेम और पासवर्ड, कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड है जो हमने अपने पायोनियर अकाउंट को क्रिएट करते हुए एसोसिएट किया. आपको याद होगा कि जब हमने अपने पायोनियर अकाउंट क्रिएट किया था और वहाँ पे अपने डेबिट कार्ड की एप्लीकेशन जनरेट की थी तो वहाँ पे हमने एक पासवर्ड भी रखा था. तो यहाँ पे यूजर नेम में वो ईमेल आएगा जिस ईमेल अकाउंट पर हमने अपना पायोनियर डेबिट कार्ड बनाया है और पासवर्ड में वो पासवर्ड हम मेंशन कर देंगे और सिंपली कंटिन्यू के बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो पायोनियर डेबिट कार्ड है वो लिंक हो जाएगा हमारे इस फाइवर रेवेन्यू अकाउंट के साथ. और जब आप अपने रेवेन्यू विदड्रॉ करना चाहेंगे तो सिंपली आपके पायोनियर डेबिट कार्ड पर ट्रांसफर हो जाएंगी और वहाँ से आप एटीएम की मदद से, पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि पायोनियर डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं. आप गूगल पे उसे सर्च करके देख सकते हैं कि आपके सिटी में पायोनियर डेबिट कार्ड को कौन कौन से बैंक्स एक्सेप्ट कर रहे हैं. लेकिन अलाइड बैंक लिमिटेड, HBL और भी कई बड़े बड़े बैंक्स पायोनियर डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं. उनकी एटीएम मशीन से आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं.